कम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंडियन नेवी की तरफ से SSC टेक्निकल जून 2025 का जिस कैंडिडेट का SSC इंटरव्यू के लिए, अगर एक कैंडिडेट हो, अगर आप SSC इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो गाइस, इंडियन नेवी SSC टेक्निकल जून 2025 का बेस में आप लोग को डॉक्यूमेंट लिस्ट पूरी जानकारी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज लेना है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग को कौन कौन सा आप अपेंडिक्स फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, तो ज्ञान से वीडियो सुन लेना गाइस, वीडियो ज्ञान से देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद अगर इसमें डॉक्यूमेंट कुछ अगर मिस्टेक करोगे तो गाइस आपको SSC इंटरव्यू के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप 100% आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो इसलिए आप लोग को वीडियो ज्ञान से देख लेना गाइस। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट के लिए आप एलिजिबल है आप अरेंज कर सकते हो, अगर आप एक कैंडिडेट हो तो, चाहे इंडियन नेवी SSC टेक्निकल जून 2025 के बेस के बारे में मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बना SSC रिलेटेड से लेकर ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब नया नया अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो गाइस, वीडियो बिना देर करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। और कुछ लोग मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस जिस कैंडिडेट का कॉल अप लेटर अभी रिलीज हुआ है, मतलब कॉल अप लेटर रिसीव हुआ है तो आप लोग को मिल चुका है, आप लोग को आई होप आप लोगों ने कॉल अप लेटर इंस्ट्रक्शन भी ईमेल पर मिल चुका होगा गाइस। अगर नहीं मिले तो आपको फ्रेंड से आप सेम सेंटर वाला से आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हो PDF वाला कॉल अप लेटर इंस्ट्रक्शन। लगभग मेरे को 29 पेज मेरे को मिला है इंडियन नेवी द्वारा। अगर जिस कैंडिडेट का और अभी तक कॉल अप लेटर है रिलीज नहीं हुआ है, मतलब उसका प्रोफाइल चेक करते हैं, सॉलिसिटेड तो हो चुका है लेकिन इसका कॉल अप लेटर कमिंग सून करके लिखा है, तो आप लोग को कुछ दिन आप लोग को वेट कीजिए, रोज दिन आप लोग का प्रोफाइल चेक कीजिए, चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल है मतलब कॉल अप लेटर रिलीज हो जाएगा। तो बात आती है मेन टॉपिक पर, अभी चलते डॉक्यूमेंट क्या क्या लिस्ट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आप लोग को पता है दोस्तों, आपका प्रोफाइल लॉगिन करते ही गाइस, लॉगिन करने के बाद वहां पर SSC इंटरव्यू के लिए कॉल अप लेटर आप लोग को पता है दोस्तों, वो है आप लोग को नंबर वन चीज है, आप लोग को प्रिंट करके आप लोग को लेके जा सकते हो, लेके जाना है मतलब प्रिंट आप लोग को, वहां पर आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट मन में सवाल आ सकते हैं, मेरे को ये कॉल अप लेटर एडमिट करते तो क्या हमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या कलर प्रिंट, भाई क्या बताओ, इसमें तो आपका ऑप्शन है कलर प्रिंट लेने से और बेटर अच्छा है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। तो कॉलर बेहतर है, आप लोग को कलर प्रिंट लेके जा सकते हैं, इसमें मतलब फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अटैच होना, तो इसलिए आप लोग को कलर प्रिंट करके आप लोग को लेके जाना होता है, ये नंबर वन चीज। और नंबर टू चीज के बात करते हो गाइस, जितना आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, क्लास 10 से लेकर आपने जैसे आपने डिग्री तक का, आपने क्लास 10 क्लास 12 डिग्री तक का आपने जितना डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप लोग को पता है दोस्तों, क्लास 10 से लेकर डिग्री तक आपने पढ़ाई किया है, BE तक आपने किया है, जितना डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन आप लोग को लेना जरूरी है। और बहुत सारा यहाँ पर कैंडिडेट में मन सवाल आ सकता है, मेरे को तो अभी तक डिग्री का फाइनल ईयर हूँ, तो आप लोग को मैं कैसे, इसमें सारी डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल अभी नहीं है, मार्कशीट वगैरह है, तो आप लोग को सवाल आ सकता है, तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। इसमें जो लोग फाइनल ईयर कैंडिडेट है वो लोग के लिए तो स्पेशल आप लोग को डॉक्यूमेंट मिले, अभी आप लोग को अपेंडिक्स फॉर्म फिलअप करना होता है, और जो लोग ऑलरेडी पास आउट कैंडिडेट है वो लोग के लिए तो आपको सारी क्लास 10 से लेकर जितना डॉक्यूमेंट लिस्ट है डिग्री तक का आपने वो सब कुछ आपको जेरोक्स वन सेल्फ अटेस्टेड करके साथ साथ जेरोक्स कॉपी लेना है वन सेट करके, उसके बाद आप लोग को सारी डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जरूरी है, उसका साथ साथ एक ID प्रूफ लेके जा सकते हो, पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जो भी एक ID प्रूफ लेके जाने। और नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, इसमें आप लोग को बहुत सारा आप लोगों को यही तो आप लोग को समझ में आएगा, और इसमें डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और इसमें डॉक्यूमेंट चीज नहीं चाहिए, और मैं आप लोग को बताऊंगा, और इसमें अपेंडिक्स फॉर्म भी फिलअप करना होता है, तो अपेंडिक्स फॉर्म में कौन सा अपेंडिक्स फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, कौन सा अपेंडिक्स फॉर्म के लिए, ये मैंडेटरी मतलब सभी SSC इंटरव्यू कैंडिडेट के लिए भी आप लोग को कुछ अपेंडिक्स फॉर्म है आपको लेना जरूरी होता है, तो अभी सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को मैं आप लोग को अपेंडिक्स फॉर्म तो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग को भी जब कॉल अप लेटर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा वहां पर आप लोग को मैच कर लेना है हेडिंग में क्या लिखा है अपेंडिक्स, मेरे को तो अपेंडिक्स ABC हो सकता है, लेकिन आप लोग का अपेंडिक्स है ADEFG भी हो सकता है, इसमें अपेंडिक्स ABC इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है तो नहीं होता है, मेरा अपेंडिक्स में आप लोग को देख लेना, अपेंडिक्स ए है रिक्स सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आप लोग का अपेंडिक्स रिक्स में आप लोग को DB हो सकता है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, अपेंडिक्स ABG तो इसमें जस्ट नंबर, तो आप लोग को सिर्फ आप लोग को हेडिंग में क्या लिखा है वो आप लोग को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट वाला मैं आप लोग को बताऊंगा, मेरा यहाँ पर सर्टिफिकेट मतलब इसमें आप लोग को हेडिंग में देने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट बॉडी टैटू यहाँ पर अपेंडिक्स फॉर्म भी होता है परमानेंट टैटू में, अगर आपका बॉडी में परमानेंट टैटू वगैरह आपने लगाए तो वो वाला
जिस कैंडिडेट आप एलिजिबल है परमानेंट टैटू वाला फिलअप करके आप लोग को ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरा आप लोग को देख रहा है, पर देखना है मेरे को समझ में नहीं है क्योंकि वीडियो कैमरा अभी सामने मेरा सूत रहा है, लेकिन ये आप लोग को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग को परमानेंट टैटू अगर आपने बॉडी में लगाए तो आप लोग को परमानेंट टैटू वाला फिलअप करके आप ले सकते हो, इसमें तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरे को यहाँ पर अपेंडिक्स बी अंदर में आता है, उसका फॉर्म होता है रिक सर्टिफिकेट। मतलब ये इंडियन नेवी में रिक सर्टिफिकेट, तो गाइस क्या बताओ, सभी कैंडिडेट आपको लेना जरूरी है रिक सर्टिफिकेट वाला। मतलब इंडियन आर्मी में तो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इंडियन आर्मी में, लेकिन इंडियन नेवी में तो रिक सर्टिफिकेट कहा जाता है। यस, रिक सर्टिफिकेट सभी SSB इंटरव्यू कैंडिडेट लेना जरूरी है, चाहे आप अपियरिंग कैंडिडेट चाहे पास आउट कैंडिडेट है, सभी SSB इंटरव्यू कैंडिडेट है रिक सर्टिफिकेट वाला PDF फॉर्म आप लोग को जरूर फिलअप करके आप लोग को लेके जाना। इसमें इसका प्रोसेस कैसे फिलअप करना, इसका प्रोसेस भी मैंने बताया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने इसमें सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल रजिस्टर्ड, मतलब आपका इंडियन आर्मी में अगर आपको डुप्लीकेट अगर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं, अकाउंट दोबारा आपने दो अकाउंट अगर नहीं बनाए, तो ये फॉर्म भी आप फिलअप करके आप ले सकते हो। उसका साथ साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मेरे को अपेंडिक्स डी अंदर में आता है बोनिफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट। बोनिफाइड कम कस्टोडियन, इसका प्रोसेस भी मैंने वीडियो बनाया है। बोनिफाइड कम कस्टोडियन कुछ के, ये सब कैंडिडेट के लिए नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मतलब जिस कैंडिडेट है हायर स्टडीज का, जैसे कि इसमें तो आपने इंडियन नेवी में तो बीई बीटेक तक लेता है, लेकिन आपने जब आपने अप्लाई किया तब आपने MSc MTech ME अपने आपका डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किया है, तो आप लोग को बोनिफाइड कम कस्टोडियन वाला आप लोग को जिस कैंडिडेट हायर स्टडीज आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो वो वाला बोनिफाइड कम कस्टोडियन वाला फॉर्म आप लोग को जरूर लेके जाना। अगर आप नॉर्मल BE BTech आपने किया है तो हायर स्टडीज वगैरह आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई के टाइम आपने सबमिट नहीं किया तो बोनिफाइड कम कस्टोडियन वाला नहीं चाहिए। बात समझ लेना गैस, अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट, अगर लास्ट टाइम आपने इंडियन नेवी में SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट आपने किया है तो गाइस ये आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना गाइस। इसमें आप लोग को इसका प्रोसेस भी कैसे फिलअप करना है होता है वो आप लोग को लेके जा सकते हो। डिटेल ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट, इसमें मेरे को अपेंडिक्स ई अंदर में आता है, वो आप लोग को जिस कैंडिडेट आपने प्रीवियस लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो वो आप लोग को लेके जा सकते हो लास्ट टाइम लास्ट ईयर के लिए। और इसमें मेरे को अपेंडिक्स एफ अंदर में आता है सर्टिफिकेट डेट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड रिजल्ट। मतलब यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ये तो आप लोग को मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, जब आपने अप्लाई किया तो आपने फाइनल ईयर से आपने अप्लाई किया है इंडियन नेवी SSC टेक्निकल जून 2025 का बेस है, तो उसको लिया है। यहाँ पर कैंडिडेट में यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है देख सकते हो गाइस, कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द एकेडमिक सीजन वेटिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट। जिस कैंडिडेट है ये बेस आप लोग को बता दो 1 अक्टूबर 2024 का है, 1 अक्टूबर 2024 पहले आपका रिजल्ट है आउट होने वाला है, डिक्लेयर होने वाला है, तो गाइस ये वाला फॉर्म है आप जरूर फिलअप करके आप ले सकते हो। अगर नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट है होने वाला है तो गाइस आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आउट होने वाला है, तो नवंबर दिसंबर में 1 अक्टूबर छोड़ने के बाद अगर नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट आउट होने वाला है तो ये फॉर्म आप लोग को लेने की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पर देख सकते हो, तो मेरे को अपेंडिक्स जी अंदर में आता है CGPA रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, मतलब फॉर ऑलरेडी पास इंजीनियरिंग के लिए। मतलब CGPA रिलेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। CGPA रिलेटेड यहाँ पर फॉर ऑलरेडी पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MSc होल्डर, मतलब आपको चेक करना है आपका मार्कशीट में चेक करना है, जो लोग BE BTech MSc जॉब मतलब हायर स्टडीज किया है, जो लोग ऑलरेडी पास आउट कैंडिडेट के लिए स्पेशली इसमें बताया गया है। अगर आप पास आउट कैंडिडेट आपका मार्कशीट है चेक कर लेना गाइस, आपका मार्कशीट है CGPA सिस्टम में मार्क दिया है या ग्रेड सिस्टम में या SGPA सिस्टम में दिया गया है आपको चेक कर लेना। अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको ये अपेंडिक्स फॉर्म फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं गाइस। अगर आपको CGPA SGPA ग्रेड सिस्टम में दिया गया है तो गाइस आपको ये मस्ट आपको अपेंडिक्स फॉर्म जरूर फिलअप करना होता है गाइस। आप लोगों को पता है दोस्तों CGPA SGPA ग्रेड सिस्टम आप लोगों को सभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आपको पता है दोस्तों क्यों एक्शन नहीं करते, इसमें थोड़ा सा मतलब सभी अप्रूवल नहीं है ग्रेड सिस्टम CGPA SGPA सिस्टम में, सभी गवर्नमेंट में आपको अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल है तो आपको परसेंटेज ही आप लोग को वन ऑफ द परसेंटेज ही आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर आपका मार्कशीट चेक कर लेना, मेरे को क्या मालूम है आपका मार्कशीट में CGPA ग्रेड सिस्टम परसेंटेज में दिया है मुझे नहीं पता, तो आपको खुद ही कैंडिडेट आपको चेक कर लेना आपका मार्कशीट में मार्क सिस्टम में दिया है या परसेंटेज में ग्रेड सिस्टम में दिया है पॉइंट सिस्टम में दिया, आप जरूर चेक कर लेना। अगर ग्रेड सिस्टम पॉइंट सिस्टम SGPA सिस्टम में अगर दिया है तो ये PDA ये CGPA रिलेटेड आपको जरूर लेके जाना होगा।
फिलअप करके जहाँ पे आपने बी बी टेक आपने किया डिग्री कंप्लीट किया वहाँ से आपको प्रिंसिपल का सील सिग्नेचर भी लाना जरूरी है। अगर नहीं लोगी तो आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर अपेंडिक्स एच अंदर में आता है मेरे को सीजीपीए रिलेटेड, इसमें भी अब फिर से दिया गया सीजीपीए रिलेटेड। सीजीपीए रिलेटेड का मतलब जो लोग फाइनल ईयर कैंडिडेट इसमें बताए गए, पहले वाला पास आउट कैंडिडेट है सीजीपीए, अभी वाला है फाइनल ईयर, ये भी आपको चेक कर लेना। सीजीपीए रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट, अगर आप कैंडिडेट फाइनल ईयर कैंडिडेट है तो गाइस आपको जितना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर होता है, फोर ईयर्स का कोर्स होता है, थ्री ईयर्स का कोर्स होता है, जितना आपने फाइनल ईयर टाइम आपने अप्लाई किया, आपका डिग्री में आपका जितना मार्कशीट मिला है इतना आपको चेक कर लेना गाइस, आपका मार्कशीट चेक कर लेना। ये मैं बता रहा हूँ अभी फाइनल ईयर कैंडिडेट के लोग के लिए, आपको चेक कर लेना आपका मार्कशीट में अंदर में आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री आपने जहाँ पे किया इसमें कौन सा सिस्टम में मार्क दिया था, CGPA, SGPA, ग्रेड सिस्टम पॉइंट सिस्टम में अगर दिया तो आपको भी ये फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गुड लक है, लकी हो गया है। लेकिन अगर आपको CGPA, ग्रेड सिस्टम पॉइंट सिस्टम में अगर दिया है तो आपको ये फॉर्म आप लोग को जरूर अपियरिंग कैंडिडेट के लेना जरूरी है। तो आपको अब मैटर करता है कौन सा मार्क सिस्टम आपको दिया गया है, आपको मार्कशीट है आपको चेक कर लेना गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैकलॉग कैंडिडेट के लिए बताया गया है, अगर आपने जब आपने अप्लाई किया था फाइनल ईयर लोग के लिए, जब आपने अप्लाई किया फाइनल ईयर लेकिन आपका बैकलॉग है, अगर बैकलॉग है तो गाइस ये वाला 1 अक्टूबर 2024 पहले आपको कंप्लीट करने वाला है। तो ये वाला अपेंडिक्स एच वाला इसमें देख सकते हो सर्टिफिकेट रिलेटेड टू बैकलॉग एंड प्रूफ ऑफ पासिंग फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट, इसमें साफ साफ बताया गया है, हेडिंग में लिखा गया है। अगर आपका बैकलॉग है लेकिन हट चुका है, पास हो चुका है 1 अक्टूबर 2024 पहले, अगर ये बैकलॉग वाला है तो ये आप लोग को ये वाला फॉर्म अपेंडिक्स एस के अंदर में आता है मेरे को, तो अपेंडिक्स बैकलॉग सर्टिफिकेट वाला आप जरूर लेके जाना। और यहाँ पर आप लोग को और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साथ साथ अपेंडिक्स एल अंदर में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट कैंडिडेट प्रियर अंडरटेकिंग, या अगर आप ये भी आप लोग को ले सकते हो इसमें अंदर गोइंग, मतलब इसमें इसका प्रोसेस भी मैंने अलग से मैंने वीडियो बनाया। और इसमें आप लोग को अपेंडिक्स एम अंदर में आता है, मतलब इसमें टी ए फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म, टी ए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, इसका प्रोसेस भी मैंने बताया। टी ए फॉर्म थोड़ा मैं आप लोगों को डिस्कस करके देता हूँ। टी ए फॉर्म मतलब जिस कैंडिडेट था आप SSB इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, फ्रेशर कैंडिडेट जो लोग फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी में SSB इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो गाइस ये आप टी ए फॉर्म के लिए आप क्लेम कर सकते हो। टी ए फॉर्म का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब जितना आप ट्रैवल करने वाला हो, जैसे कि जहाँ पे आप जाने वाला हो आपका ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट बस टिकट का है, जितना आपका पैसा एक्सपेंड किया है उतना आपको इंडियन नेवी द्वारा आपको पैसा आपका बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैंक में पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। सिर्फ आप इंडियन SSB इंटरव्यू का मैं आपको एक ही बार आप टी ए फॉर्म सबमिट कर सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम आप SSB इंटरव्यू को आप जा रहे हो तो इसका प्रोसेस अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल पर जाके आप देख सकते हो, इसका प्रोसेस अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो और इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है, और इसमें आप लोग को देख सकते हैं अपेंडिक्स एन में हमारा एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, आपका अगर आपका एड्रेस वगैरह आप चेंज करना चाहते तो गाइस जब आपने अप्लाई किया था आपका एड्रेस से थोड़ा गलती हो सकता है, और प्रेजेंट एड्रेस भी आप दे सकते हो, लेकिन आप आपका एड्रेस चेंज करना चाहते हो, अगर चेंज करना चाहते तो एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस वाला फिलअप करके आप बड़ी आसानी से आपका परमानेंट एड्रेस अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट हिसाब से आप परमानेंट एड्रेस वाला आप दे सकते हो, वाला फिलअप आप जरूर कर लेना। और इसमें तो और इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट चीज़ नहीं चाहे, जितना मैंने बताया गाइस उतना ही है। इंडियन नेवी SSC टेक्निकल जून 2025 का बेच में डॉक्यूमेंट लिस्ट, पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने बताया गया है, अगर अभी भी मन में डाउट होते आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। सो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आएगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो शेयर करने आपको एक शेयर करने से आपका दोस्त को भी थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसका डाउट भी क्लियर हो रहा है। इसमें जून 2025 का इंडियन नेवी SSC टेक्निकल में इसका डॉक्यूमेंट लिस्ट पूरा उसका भी जानकारी बड़ी आसानी से ये फायदा ले सकता है। अगर इसमें अगर डॉक्यूमेंट अगर कुछ मिस करोगे तो गाइस आपको 100% SSB इंटरव्यू का आप रिजेक्टेड हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जितना मैंने बताया उतना आप फॉलो कर लेना, अगर फॉलो करोगे तो आप SSB इंटरव्यू आप बड़ी आसानी से आप SSB इंटरव्यू आप दे सकते हो, कभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कभी भी आप लोगों को रिजेक्ट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।